दोस्तों शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला 14 दिसंबर को खेलना है पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में। और आप सब लोग वाकिफ हैं कि पर्थ की जो पिच है वो किस तरीके से बिहेव करती है, यानी कि गेंदबाजों के लिए एक्स्ट्रा पेस होता है उस पिच पर और बाउंस भी बहुत ज़बरदस्त होता है और हार्डनेस इतनी होती है उस पिच पर कि आप बात ही ना कीजिए, क्योंकि ज़बरदस्त होती है और तेज़ गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको एडवांटेज मिलता है। पर पाकिस्तान ने एक तोड़ निकाल लिया है उस बाउंस से, उस एक्स्ट्रा पेस से, आप चाहे उस एक्स्ट्रा बाउंस से डील करने के लिए, यानी कि पाकिस्तान ने बनाया है एक मार्बल प्लान। वैसे तो मास्टर प्लान होता है पर पाकिस्तान ने इस बार बना दिया है मार्बल प्लान। अब वो मार्बल प्लान क्या है आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि ऑप्टस स्टेडियम यानी पर्थ के मैदान पर ये पहला टेस्ट मैच तो खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मुकाबला 14 दिसंबर को। और टीम पाकिस्तान जो है वो नेट सेशन कर रही है, नेट प्रैक्टिस भी कर रही है, पर उनका अब प्रैक्टिस करने का तरीका, प्रैक्टिस करने की जो टेक्निक है उन्होंने एक नई अपनाई है और वो बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। आपने अमूमन देखा होगा भारतीय टीम को जो है वो लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट ओवरसीज कंडीशन में जाके जब नेट सेशंस करती है तो वो लगातार जो है अलग अलग पैंतरे अपनाती है, अलग अलग टेक्निक्स अपनाती है। आपने सचिन तेंदुलकर को भी देखा होगा कि अगर वो उनको कहीं खेलने जाना है, जैसे मान लीजिए साउथ अफ्रीका में खेलने जाना है, उनको जो है गेंद में गति ज़्यादा चाहिए प्रैक्टिस करते हुए, तो वो जो सीमेंट की पिच को वो गीला कर देते थे और जब पटकी जाती थी गेंद तो बल्ले पर वो बहुत तेज़ आती थी। कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी अनोखी चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने की है ताकि वो हैबिचुअल हो जाए पर्थ के बाउंस से और हैबिचुअल हो जाए पर्थ के साथ ही साथ एक्स्ट्रा बाउंस और साथ ही साथ उसके एक्स्ट्रा पेस से। अब वो चीज़ क्या है, यानी कि जो गुड लेंथ एरिया है पिच का, यानी कि बीच में गुड लेंथ एरिया पर मार्बल रखा गया, यानी कि अ स्लैब ऑफ मार्बल, मार्बल का एक स्लैब रखा गया है और उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ताकि उस पर अगर बॉल पड़े तो एक्स्ट्रा बाउंस लेकर आए। यानी कि जो गेंदबाज है वो लगातार बाकी टप्पों पे भी गेंदबाजी कर रहा है, बाकी स्लॉट्स पे भी गेंदबाजी हो रही है, पर लेकिन जब उस स्लैब पर, यानी कि जो मार्बल का स्लैब है उस पर जब गेंद पड़ रही है तो वो एक्स्ट्रा बाउंस लेकर आ रही है। यानी कि पाकिस्तान ने एक नया तरीका अपनाया, नई टेक्निक अपनाई, नया पैंथरा जिसको आप कह जो भी कह लीजिए वो अपनाया है ताकि वो डील करने में आसानी हो जब वो मुकाबला खेलने उतरे, यानी कि पाकिस्तान पहली बार पर्थ में खेलने उतरेगी। अगर आपको वो मैदान याद हो वाका का, आप सब जानते होंगे बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस हमने देखे हैं भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के, पहले कितने टेस्ट मैचेस हुए हैं वाका में या कोई भी बाकी टीमों के, अगर आप पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें पहले कुछ साल पहले भी बहुत टेस्ट मैचेस हुए हैं वाका के मैदान में। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है और तेज़ गेंदबाजों के लिए हेवन होती है ऐसी पिचेस पर। लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ देखें तो जो पर्थ की ड्रॉप इन पिच है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप इन पिचेस यूज़ की गई हैं और पर्थ में भी आपको ऑप्टस स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच यूज़ होती हुई दिखाई देगी, पर वो ये है कि थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है वाका के पिच से, जहाँ पर तेज़ गति से बॉल आती है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, हार्डनेस बहुत है और काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती हुई ड्रॉप इन पिच आपको देखने को मिल सकती है पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में। पर वही है कि साथ ही साथ जो है अभी जो जो पिच क्यूरेटर है या हेड पिच क्यूरेटर हैं पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम के, जो भी पिच को तैयार कर रहे हैं अंडर स्क्रूटनी है अभी पिच, और वैसे भी अभी जो बची है घास वो 10 mm यानी कि 10 mm की घास अभी बची हुई है उस पिच पर और लगातार उसको जो है ठीक किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि कुछ वक्त पहले शेफील्ड शील्ड के यहाँ पर मुकाबले हुए थे और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्लगिशनेस देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत स्लो होती हुई पिच दिखाई दी थी। वैसे तो पर्थ में स्पिनर्स का भी बीच में हम देख सकते हैं, जो तीसरा सत्र होता है या कह सकते हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं टेस्ट मैच के, हम स्पिनर्स का भी काफ़ी रोल हम देखते हैं। खैर मुद्दा यही था कि जो पाकिस्तान ने एक मार्बल टेक्निक अपनाई है, मार्बल का स्लैब रखा है गुड लेंथ एरिया पर ताकि एक्स्ट्रा बाउंस से डील करना उनको आ जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों कि पाकिस्तान जो है 1999 के बाद जो है एक बार भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है, क्या इस बार ये पैंथरा अपनाने के बाद पाकिस्तान थोड़ी बहुत हैबिचुअल हो पाएगी, क्योंकि हम देखते हैं एशियन जो कंट्रीज़ होती हैं उनको ज़्यादा हैबिचुअल वो होते हैं एशियन कंडीशंस में खेलने के, जब वो जाती हैं ओवरसीज़ में उनको पहले मुकाबले में दिक्कत आती आती है, पर उन्होंने नई टेक्निक अपनाई, अब देखते हैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आपका असली टेस्ट मेन टेस्ट मैच में मेन मुकाबले में होता है। अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्या इस टेक्निक का फ़ायदा मिलेगा पाकिस्तान को सच में, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में।